लोकसभा व राज्यसभा में कृषि विधेयक पास करने पर हिमाचल प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। मोर्चा का कहना है कि आज़ादी के बाद पहली मर्तबा किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हिमाचल भाजपा किसान मोर्चा की बैठक नाहन में आयोजित हुई, जिसमें सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली मर्तबा किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान सिर्फ अपनी मंडी में ही उपज को बेच सकता था, मगर अब किसान देश के किसी भी कोने में जाकर उपज को बिना किसी कर के बेच सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और ये सपना साकार होता नजर आ रहा है। मोर्चा का कहना है कि किसान वर्ग की केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से मदद की जा रही है। मोर्चा का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली जा रही है, जिससे किसानों को बीज व कृषि के जरूरी उपकरण खरीदने में मदद मिल रही है। राकेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल में भी हजारों किसान लाभान्वित हुए हैं। भाजपा किसान मोर्चा हर बूथ पर 15-15 किसान प्रहरी नियुक्त करेगा, जो आम लोगों तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाएंगे, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। और विशेषकर जो विधेयक, कृषि विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा माननीय देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री दोनों का धन्यवाद करते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे ऐतिहासिक फैसले किसानों के हित में, जो आज तक गुलामी का प्रतीक था, देश के अंदर ऐसा विधेयक लाकर कृषि और किसानों के हित में फैसला जो लिया है। पहले किसान सिर्फ अपने मंडी में ही अपनी उपज को बेच सकता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, इन्होंने देखा कि हमारे किसानों को आय बढ़नी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में यह घोषणा की थी कि 2022 आते आते हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, और इसके लिए ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। आज तक कभी भी किसान को उन्नत किस्म का बीज, अच्छे उपकरण खरीदने के लिए कभी सरकार की ओर से 100 रुपये की भी सहायता नहीं मिलती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 2019 में 6-6 हजार रुपया उनको बीज खरीदने के लिए, उनको खाद खरीदने के लिए, उनको अच्छे उपकरण खरीदने के लिए। उसके बाद भी उनको लगता था कि ऐसे बहुत से फैसले जो लंबे समय से किसानों के हित में होने चाहिए थे, ऐसा एक बिल वो लोकसभा में लाए जिसमें से किसानों को, जो मैंने कहा पहले ही कि वो अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेच सकता है, कोई बॉर्डर नहीं होगा अब इस बिल के आने के बाद। हमने कहा है कि किसान सम्मान निधि जो अभी इस वर्ष भी पहली किस्त किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया, और हिमाचल प्रदेश में भी हजारों किसानों के खाते में पैसा आया है, उनको अपनी कृषि के विकास के लिए, अच्छी उन्नत के बीज खरीदने के लिए, अच्छे उपकरण के लिए। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।